नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। आई नज़र डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की खबर बारसोई से। लगरिया पंचायत अंतर्गत शोला बधार में अपने गुंडों के साथ जमीन कब्जा करवाने और मकान खाली करवाने का काम करने वाली दबंग महिला कसवरी खातून को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है। मालूम हो कि जमीनी विवाद को लेकर बारसोई थाना में दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बारसोई थाना अंतर्गत शोला बघार गांव निवासी मोहम्मद मुजम्मिल ने बारसोई थाने में अपने पड़ोसियों और उक्त दबंग महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए लिखा है कि बीते सोमवार को दिन के 2 बज के करीब मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर के निकट के 4 व्यक्ति और 2 महिला जिसमें मोहम्मद तोहिद, मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद कासिम, वहीदा खातून, नुसरत खातून तथा इनके साथ 12-13 अज्ञात व्यक्ति जो कि मुंह में कपड़ा बांध कर थे तथा हरवे हथियार जैसे कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे से लैस होकर मेरे टीन के मकान को तोड़ रहे थे। मैं जब अपने घर के करीब पहुंचा तो मुझे देखते ही सभी लोग मुझे मारने लगे और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, जिसमें मैं जख्मी हो गया। वहीं मारपीट की आवाज़ सुनकर मेरा भाई मोहम्मद असलाम की घटनास्थल पर पहुंचा और उसे भी उन लोगों ने बुरी तरह पीटा। जी हां, वही घटनास्थल पर एक महिला गांव वालों को घटनास्थल से दूर रहने की धमकी दे रही थी तथा सबको वहां से भाग जाने को कह रही थी, जिसके बाद में अपना नाम कसवरी खातून बताया। वहीं मोहम्मद मुजम्मिल ने अपने बयान में लिखा है कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने उससे 2000 छीन लिए और मोबाइल भी छीन लिया। थोड़ी देर में जब गांव वाले अधिक संख्या में इकट्ठा हो गए तो अपराध कर्मियों में से एक अज्ञात अपराधी ने पिस्तौल हाथ में लहराते हुए हवाई फायरिंग की। जी हाँ, मोहम्मद कासिम के 4-पहिया वाहन में बैठ कर भाग गए, परंतु दबंग महिला घटनास्थल पर ही रह गई। उसके साथ उसकी स्कूटी और अपराधी के 2 अन्य बाइक भी घटनास्थल पर पाया गया। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार की गई महिला कसवरी खातून ने भी मोहम्मद मुजम्मिल, उसके भाई और उसके पिता के विरुद्ध बारसोई थाना में मुकदमा दर्ज किया है। कसवरी खातून के अनुसार वह शोला बघार गाँव होते हुए हरिपुर गाँव जा रही थी। रास्ते में उक्त ग्रामीणों के द्वारा सड़क को जाम करके रखा गया तथा गांव वाले को सड़क खाली करने के लिए बोल रही थी। इतने में मोहम्मद मुजम्मिल और उनके भाई, उनके पिता ने मिलकर उसे गंदी गंदी गालियां दी, उसके साथ मारपीट की तथा मोहम्मद मुजम्मिल के पिता सिकंदर आलम ने उसके लेडीज पर्स से 25,000 निकाल लिए तथा लाठी डंडे से मेरी स्कूटी भी तोड़ दी। जी हाँ, एक मेरा एंड्रॉयड मोबाइल भी छीन लिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना अध्यक्ष राम विलास सिंह ने बताया है कि मामले की सूचना ग्रामीणों द्वारा दिया गया, तत्पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर जाकर ग्रामीणों द्वारा महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। दोनों पक्षों का आवेदन लेकर बारसोई थाना में मामला दर्ज किया गया है तथा महिला कसवरी खातून को न्यायिक हिरासत में कटिहार भेज दिया गया है। मामला है घर का, मामला है घर भांग दिया है और मेरा लड़का भी मारा है, एक लड़की को पकड़े हैं खातून ना किया नाम उसका, और उसके बाद घर भांग करके वो जब हम लोग जब आ गए थे सब भाग गया, बीजी को उठा उसको पकड़ करके भाग गया। कितने लोग थे? 10-12 हो लाते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिकंदर, थोड़ा हो गया।